आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हॉट मिल्क केक और वो भी हम मिक्सर में बनाएंगे इतना सॉफ़्ट और इतना टेस्टी घर पे बना के आप तैयार कर सकते हैं आपको यकीन नहीं होगा और सारे सामान जो है ना वो घर पे ही मिल जाएंगे इसमें कोई भी हमें ईस्ट डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल छोटी सी एक चीज़ डालेंगे और इससे ये बन के तैयार हो जाएगा देखिए इसकी जाली आप देख सकते हैं इतना सॉफ़्ट है कि, कि मुँह में जाते ही पिघल जाएगा तो एक बार तो इसको बनाना बनता है तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ देखिए दो अंडे लिए हैं मैंने उसको हम मिक्सर जार में डाल देंगे जैसा कि मैंने कहा कि मिक्सर में बनाएंगे और यहाँ तीन चौथाई कप मैं ले रही हूँ चीनी वो डाल देंगे एक चौथाई कप यहाँ पे डालेंगे ऑयल का और इसके बाद इसे हम कर लेंगे ब्लेंड तो पाँच मिनट इसको अच्छे से चला लें मिक्सर में और एक बाउल में निकाल लें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी होगी पानी बिल्कुल नहीं मिलाना दूध नहीं मिलाना इसमें अभी और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी छन्नी ले ली है इसमें ले रही हूँ एक कप मैं मैदा और उसी के साथ अब यहाँ पे मैं डालूँगी एक चौथाई चम्मच यहाँ पे मैं डालूँगी नमक और उसी के साथ एक चम्मच छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर का अब ये सारी चीज़ें यहाँ पे छान लेंगे और छानने से क्या होगा इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे लम्स नहीं आएंगे जो हम यहाँ पर ये केक बना रहे हैं अब इसको मिक्स करना शुरू करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मिक्स करें और यहाँ पे हमें जेंटली मिक्स करना है मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा स्पीड कर दिया है तो इसलिए जल्दी जल्दी हो रहा है तो हमें इसको बिल्कुल जेंटली मिक्स करना है अब यहाँ पे देखिए अब ये बहुत ज़्यादा थिक है तो इसमें मैं मिला रही हूँ अभी देखिए यहाँ मैंने गर्म आधा कप दूध लिया हुआ है और उसी में मैं मैं डालूँगी तीन बड़े चम्मच यहाँ पे मैं बटर के डालूंगी नॉर्मल जो बटर सबके घर में होता है वही बटर है कोई वाइट बटर वगैरह कुछ नहीं डालना है अब ये गर्म दूध में ना इसको हमें पिघला लेना है अच्छे से मेल्ट कर लेना है आप चाहें तो मेल्ट किया हुआ बटर भी डाल सकते हैं लेकिन आपको समझाना फिर मुश्किल हो जाता तो तीन बड़े चम्मच यहाँ मैंने बटर के डाले हैं और इसको हम यहाँ पे मेल्ट कर लेंगे अच्छे से तो देखिए बटर यहाँ पे मेल्ट हो गया है पूरा अच्छे से अब हम उसको बैटर में डालते हैं तो यहाँ बैटर में मैं सारा जो ये बटर वाला मिक्सर है वो सारा डाल दूंगी और अब इसको धीरे 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 हमें मिक्स करना है इसी के साथ एक चम्मच डाल दिया वनीला एसेंस और अब इसको मिक्स करना है तो जब तक इसमें बिल्कुल लम्पस ना हो तब तक इसको धीरे धीरे हमें मिक्स करना है बहुत तेज अगर करेंगे तो जो हमारा ये हम मिल्क केक बना रहे हैं ये फूलेगा नहीं इसको तो आराम आराम मिक्स करना है तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और बिल्कुल लम्प फ्री है ये बैटर तो इस तरीके का बैटर होना चाहिए जब मैं इसको नीचे ऊपर से गिराऊँ तो बहुत ही ईजिली गिरे और ये देखिए इसकी सिलवटें हैं अब ये तैयार है तो यहाँ मैंने ले लिया है ब्रेड बनाने वाला टिन और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है बटर पेपर लगा के अब यहाँ पे ये जो सारा बैटर है इसमें डाल देंगे आप चाहें तो इसे किसी भी मोल्ड में बना सकते हैं केक टिन वाले में या किसी भी बर्तन में इसको आप बना सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे इसको ब्रेड की शेप दे रही हूँ यहाँ पे सारा बैटर इसके अंदर हम डाल देंगे तो सारा डाल देना है ये देखिए सारा बैटर मैंने डाल दिया थोड़ा सा इसको हम कर लेंगे यहाँ पे टैप ताकि एयर बबल्स निकल जाएं और इसके बाद अब यहाँ पे बेक करते हैं दस मिनट पहले ही मैंने इसको गर्म कर लिया था ये नमक है जो नीचे मैंने बिछा रखा है ये कई बार मैंने यूज़ किया हुआ है इसमें मैंने मक्के वगैरह भी भुने हुए हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा काला हो गया है अब पच्चीस से तीस मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पर पकने देंगे आप इसको पंद्रह मिनट बाद चेक करें बीच बीच में बार बार चेक ना करें देखिए ब्रेड बहुत ही बढ़िया ये फुल चुकी है अच्छे से यहाँ पे बेक हो चुकी है अब क्या करना है मैं दिखाती हूँ आपको चेक कराती हूँ देखिए बिल्कुल अंदर से एकदम ये साफ़ बाहर आ रहा है इसका मतलब ब्रेड जो है अंदर से भी अच्छे से बेक हो चुकी है अब इसको निकाल लेना है तो मैं यहाँ पे इसको देखिए जाली स्टैंड पे निकाल लेती हूँ जाली स्टैंड पे निकाल लें इसको और इसको अब मैं यहाँ पे देखिए ये क्लिंग रैप से इसको कवर कर दूँगी ताकि ये ना सूखे नहीं और ये जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता ना तब तक इसको ऐसे ही रखना है तो ब्रेड ना सूख जाएगी टाइट हो जाएगी सॉफ्ट नहीं रहेगी तो देखिए ये ठंडी होगी अच्छी तरीके से तो अब ये क्लिंग रैप आ, निकाल देते हैं और इससे क्या होगा ब्रेड में मॉइस्चर बना रहेगा और ब्रेड हमारी जो है ये ख़राब नहीं होगी अगर आप केप का बेस केक का बेस वगैरह भी बना रहे हैं तो इसी तरीके से उसको निकालने के बाद क्लिंग रैप से उसको ढक दें तो वो ख़राब नहीं होगा या गीले कपड़े से उसको ऊपर से ढक दें अब यहाँ पे देखिए इसको अब मैं डीमोल्ड कर लेती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ही ठंडा हो चुका है और जैसे ही ठंडा होगा ना तो ये इस साइड से कॉर्नर्स अपने आप ही छोड़ देगा और बहुत ही ईजिली निकल जाएगा मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना ईजी निकल चुका है तो प्लेट रख लेते हैं इसके ऊपर यहाँ पर और ये देखिए अब मैं इसको बिल्कुल इजी ये जो नीचे का जाली स्टैंड है इसको हटा देती हूँ और बहुत ही ईजिली ये निकल गया ये देखिए बहुत ईजी निकल गया है ब्रेड बहुत ही बढ़िया से ही यहाँ पे बेक हुई है और ये यहाँ पे मैं जो ये बटर पेपर है ना इसको निकाल लेती हूँ तो बटर पेपर मैंने यहाँ पे निकाल दिया है और आप ब्रेड देखिए कितनी बढ़िया ब्रेड बनके तैयार हुई है आप इसमें चाहे तो टूटी फ्रूटी भी मिला सकते हैं या कोई ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं तो आपकी एकदम ब्रिटानिया की एक जैसी ब्रेड तैयार हो जाएगी बिना अंडे का भी बना सकते हैं इसमें आप तो यहाँ पे देखिए अब ये आ, इसको मैं कट करके दिखाती हूँ कि कितनी बढ़िया ये अंदर से बेक हुई है कोई भी इसमें कमी नहीं है कोई भी इसमें ईस्ट की ज़रूरत नहीं है बेकिंग पाउडर से ही आप ये बना सकते हैं किसी भी जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगा बेकिंग पाउडर और ऑनलाइन भी मिल जाएगा बहुत इजीली अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं ब्रेड में कितने अच्छे यहाँ पे जो है इसमें होल बने हुए हैं और एकदम सॉफ्ट है ये ब्रेड ऐसा नहीं है कि सख्त है मैं जैसी नाइफ से इसको काट रही हूँ ना बहुत इजीली कट जा रहा है मेरे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना पड़ रहा है तो यहाँ पे देखिए ब्रेड मैं आपको दिखा देती हूँ इतनी बढ़िया बन के तैयार हुई है ना तो ये देखिए इसकी जो आप जाली हैं वो देख सकते हैं और बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड है बहुत ही मुँह में जैसे ही डालेंगे ना वैसी घुल जाएगी तो आप इसको शाम के चाय के साथ या सुबह नाश्ते के साथ या जब भी आपका कुछ खाने का मन कर रहा हो तब आप इसे खा सकते हैं इसको आप फ्रिज में रख लीजिए बहुत ही बढ़िया रहेगी ये खाने में और ये देखिए आपको तोड़ के दिखा रही हूँ मैं एक पीस इतनी सॉफ्ट है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा बनाने में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे घर पर आप इतनी ईजिली जो है ब्रेड बना के तैयार कर सकते हैं और ये हॉट मिल्क केक है तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे कमेंट बॉक्स में मेरे को आप जरूर लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिटिल देन बाय